हाय एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएससी की बीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एकेडमिक्स फॉर सीएससी के द्वारा नियमित रूप से टेस्ट सीरीज को चलाया जा रहा है। हमारे द्वारा करेंट अफेयर, बिहार स्पेशल इत्यादि सब्जेक्ट से संबंधित टेस्ट सीरीज को अपलोड किया गया है। और आज के इस टेस्ट सीरीज में मैं आप लोगों के साथ मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास से संबंधित कुल 150 प्रश्न को डिस्कस करूंगा। सबसे पहले यह समझिए संक्षेप में कि मॉडर्न हिस्ट्री की बीपीएससी प्रीलिम्स में क्या भूमिका है। बीपीएससी प्रीलिम्स का अगर प्रीवियस ईयर का आप प्रश्न पत्र देखेंगे तो लगभग 32 से 35 प्रश्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। इसमें से अराउंड 20 प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, यानी कि 150 प्रश्नों में से 20 प्रश्न आपको मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाएंगे और उसी पेपर से संबंधित आज मैं टेस्ट सीरीज को आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। आप लोग इसे जरूर सॉल्व करें और अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखें। आइए टेस्ट सीरीज का डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने भारत में काजू, अनानास और तंबाकू प्रचलित किया था? डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पुर्तगाली। दूसरा प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित में से किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब ने निष्कासित कर दिया था? सर निकोल रिच, सर जॉन चाइल्ड, सर जॉन गेयर, सर निकोलस वेस्ट, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सर जॉन चाइल्ड। यहाँ दो चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। पहला, ये अंग्रेज अधिकारी, अंग्रेज गवर्नर का क्या नाम था? तो सर जॉन चाइल्ड। और किस मुगल शासक ने निष्कासित किया था? तो औरंगजेब। या दोनों में से किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला तीसरा प्रश्न है, किसके शासनकाल के दौरान सर थॉमस रो ने व्यावसायिक विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार में नियमित रूप से उपस्थिति दर्ज कराई? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जहांगीर। सर थॉमस रो 1615 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत आया था। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जहांगीर। चौथा नंबर प्रश्न है, आपके यहाँ पर मैच करना है, सुमेलित करना है, एक तरफ नेता और दूसरी तरफ केंद्र, या 1857 के विद्रोह से संबंधित है। मौलवी अहमदुल्ला, रानी लक्ष्मीबाई, शाहमल, जनरल वक्त खां, इसे आपको मैच करना है। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से संबंधित है, यानी कि ए का आंसर हो जाएगा 3। रानी लक्ष्मीबाई झांसी, बी का आंसर हो जाएगा 4। शाहमल बागपत, यानी कि सी का 2। जनरल वक्त खां नई दिल्ली, यानी कि डी का 1। यानी 3, 4, 2, 1, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 4 का ए। पांच नंबर प्रश्न, दक्षिण भारतीय शासक जिसने अपने राज्य में कृषि उद्योग के रूप में रेशम उत्पादन प्रचलित किया कौन था? हैदर अली, कृष्णदेव राय, राजराज, टीपू सुल्तान, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि टीपू सुल्तान ने मैसूर में सर्वप्रथम रेशम उत्पादन पर फोकस किया, रेशम उत्पादन को प्रचलित किया। पांच का आंसर हो जाएगा आपका डी। छठा नंबर प्रश्न है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? यहाँ पर चार युद्ध का वर्णन किया हुआ है, आपको सामने लिखा हुआ है, उसे सुमेलित कौन सा सही है इसे आपको बताना है। प्रथम अफगान युद्ध, नलपानी की लड़ाई। द्वितीय अफगान युद्ध, लॉर्ड लिटन ने अग्रगामी नीति का अनुसरण किया। तृतीय अफगान युद्ध, अगले राजा दोस्त मोहम्मद के खिलाफ सैन्य अभियान। प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध, रावलपिंडी की संधि। तो देखिए कौन सही सुमेलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि द्वितीय अफगान युद्ध। द्वितीय अफगान युद्ध के दौरान लॉर्ड लिटन ने अग्रगामी नीति का अनुसरण किया था, यानी कि बी छा का आंसर हो जाएगा आपका बी। सात नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने टीपू सुल्तान के खिलाफ त्रिपक्षीय गठबंधन बनाया था? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड बेलेसली, लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखिए ये जो त्रिपक्षीय गठबंधन बनाया गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने मैसूर को हराने के लिए टीपू सुल्तान के विरुद्ध में मराठा निजाम, अंग्रेज,
ये त्रिपक्षीय गुट बना था, ये तीनों गुट शामिल थे और इसके अगेंस्ट में कौन था, अकेले मैसूर इसके अगेंस्ट में लड़ रहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 का B। 8 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य के शासक को अंग्रेजों ने कुशासन का बहाना बनाकर सत्ता से बेदखल कर दिया, अवध, झांसी, नागपुर, सतारा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो कुशासन का आरोप लगाकर अवध को 1856 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो 8 का आंसर हो जाएगा ए। 9, वर्ष 1765 में दीवानी मिलने के बाद अंग्रेज सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए, गारो, जयंतिया, खासी, टिपरास, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा 9 का A। 10 नंबर प्रश्न है, मेरा अपना विश्वास है कि कांग्रेस लड़खड़ा रही है और मेरी एक महान महत्वाकांक्षा इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहायता करना है, किसने कहा था, विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड कर्जन, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा B, यानी कि लॉर्ड कर्जन। 11, किसने रंजीत सिंह के साथ शाश्वत मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किया, लॉर्ड विलियम बेंटिक, चार्ल्स मेटकॉफ, जॉर्ज बार्लो, लॉर्ड मिंटो प्रथम, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा B, यानी कि चार्ल्स मेटकॉफ। शाश्वत मित्रता की जो संधि है वह 1809 ईस्वी में अमृतसर की जो संधि हुई थी अंग्रेज और रंजीत सिंह, यानी कि चार्ल्स मेटकॉफ और रंजीत सिंह के मध्य, तो उसे शाश्वत संधि कहा जाता है। 11 का आंसर हो जाएगा B, यानी कि 1809 ईस्वी में हुए अमृतसर की संधि को शाश्वत मित्रता की संधि कहा जाता है। 11 का आंसर हो जाएगा B। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर विकल्प है जो ABCD दिया हुआ है, उसे आपको सुमेलित करना है, यानी कि यहाँ पर आपको मैच करना है। तो देखिए सबसे पहले है 1854 का वुड डिस्पैच, 1854 का वुड डिस्पैच, यहाँ पर आप विकल्प देखेंगे तो एक आंसर 2 के पास आएगा, यानी कि लंदन विश्वविद्यालय के नमूने पर भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना करना 1854 के वुड डिस्पैच की महत्वपूर्ण सिफारिश थी। अगला है 1882 का हंटर आयोग, 1882 का जो हंटर आयोग है वह शिक्षा और सेवा का 3 शाखाओं, अखिल भारतीय, प्रांतीय और अधीनस्थ में पुनर्गठन की बात करता है। अगला सर थॉमस रैले आयोग 1902, तो यह विश्वविद्यालय शिक्षण सुधार के उपायों की अनुशंसा करता है। और सैडलर आयोग 1917 व ऑनर्स पाठ्यक्रमों की सूत्रपात की चर्चा करता है, यानी कि 12 का आंसर हो जाएगा B, 2, 1, 3, 4, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा B। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारतीय प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया था, जिसे बाद में भारतीय सिविल सेवा के रूप में जाने जाना लगा, वारन हेस्टिंग, वेलेजली, कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिक, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा C, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस। 14, किस अधिवेशन में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था, कलकत्ता अधिवेशन 1920, नागपुर अधिवेशन 1920, बम्बई अधिवेशन 1919, लखनऊ अधिवेशन 1916, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा B, यानी नागपुर अधिवेशन 1920 में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। 15, निम्नलिखित में से किसने भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समापन का सुझाव दिया, सिराज गोपालाचारी, आचार्य कृपलानी, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा C, यानी कि महात्मा गांधी ने। 16, वायसराय के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन भारत विशिष्ट निर्देश के साथ आए थे, ए, भारतीय उपमहाद्वीप का बालकनीकरण करने, बी, यदि संभव हो तो भारत को एकजुट रखने, सी, जिन्ना की पाकिस्तान की मांग स्वीकार करने, डी, कांग्रेस को विभाजन स्वीकार करने के लिए राजी करने, ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा B, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन को भारत इस निर्देश पर भेजा गया था कि यथासंभव भारत को एकजुट बनाए रखे। 16 का आंसर हो जाएगा B। 17, निम्नलिखित में से किसने भारत में पहली रेल सड़क का निर्माण किया था, लॉर्ड रिपन, बेवेल, कर्जन, डलहौजी, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा D, यानी कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में पहली रेल सड़क का निर्माण किया गया था।
18 पद पर रहते हुए मारा जाने वाला वायसराय कौन था? सर जॉन लॉरेंस, लॉर्ड एल्गिन प्रथम, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, लॉर्ड मेयो, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि लॉर्ड मेयो, जो कि पद पर रहते हुए मारा जाने वाला वायसराय था। 19 निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश भारत में गृह प्रभार का हिस्सा नहीं था? गृह प्रभार जिसे इंग्लिश में समझिएगा तो ज़्यादा क्लियर होगा, होम चार्जेज। ए सार्वजनिक ऋण पर ब्याज, बी नागरिक प्रशासन प्रभार, सी रेलवे पर गारंटीकृत ब्याज, डी शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो होम चार्जेज का हिस्सा कौन नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नागरिक प्रशासन प्रभार। इसके अलावा जो तीन विकल्प बचे वे सभी होम चार्जेज के हिस्सा थे, गृह प्रभार के हिस्सा थे। 20 1793 की कार्नवालिस संहिता ने अलग किया, ए नागरिक प्रशासन नागरिक न्याय के प्रशासन से राजस्व संग्रह को, न्यायिक प्रशासन से नागरिक प्रशासन को, केंद्रीय प्रशासन से बंगाल प्रशासन को, सैन्य प्रशासन से नागरिक प्रशासन को, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1793 की कार्नवालिस संहिता ने न्यायिक प्रशासन से नागरिक प्रशासन को अलग किया है। 20 का आंसर हो जाएगा बी। 21 निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? ए बड़े सामंती जमींदारों को भूमि आवंटित की गई, यह जागीरदारी बंदोबस्त। बी इजारेदारों या कर संग्राहकों को भूमि आवंटित की गई, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। सी प्रत्येक किसानों को गिरवी रखने, उपहार देने या बेचने के अधिकार भूमि आवंटित की गई, महलवाड़ी बंदोबस्त। डी ग्राम स्तर पर किया गया राजस्व बंदोबस्त, जमींदारी बंदोबस्त। तो कौन निम्नलिखित में से सही है? तो देखिए इसका विकल्प नंबर ए सही है, यानी कि जागीरदारी बंदोबस्त के अंतर्गत बड़े सामंती जमींदारों को भूमि आवंटित की जाती है। इसके अलावा देखेंगे ग्राम स्तर पर जो किया गया राजस्व बंदोबस्त, जमींदारी नहीं मालवाड़ी होती है, तो ये तीनों जो है वह गलत हैं। ठीक है, यहाँ पर जमींदारी होगा आपका। तो इसका आंसर 21 का आंसर ए होगा, कौन सा विकल्प सही है, यानी कि 21 का आंसर ए। 22 पट्टा लिखित समझौता होता था, ए किसान और जमींदार के बीच जो लगान की राशि का अभिलेख उपलब्ध कराता था, बी किसान और राज्य के बीच, सी जमींदार और राज्य के बीच, डी भूमि लगान के अलावा अनाज के रूप में लगान देने के संबंध में किसानों और जमींदारों के बीच। तो जो पट्टा जो लिखित समझौता होता था वह किसान और जमींदार के बीच का समझौता होता था, जो लगान की राशि का अभिलेख उपलब्ध कराता था, जिसमें लगान देने की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, कितनी लगान देंगे, इसके बारे में लिखा होता था, वह था पट्टा समझौता। अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 के विद्रोह का विरोध किया, 1857 के विद्रोह का समर्थन किया, विद्रोह से तटस्थ रहे, देशी शासकों के खिलाफ लड़ा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 के विद्रोह में तटस्थता की नीति अपनाई, क्योंकि उन्हें मानना था कि भारत में विकास जो है वह ब्रिटिश सरकार से ही संभव है। 23 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद सेना के पुनर्गठन से संबंधित था, लोक सेवा आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग, साइमन आयोग, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पील आयोग। 25 अहरार आंदोलन जो कि 1910 में हुआ था उसके बारे में कौन सा कथन सत्य है, ए यह मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान और हसन इमाम के नेतृत्व में एक उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन था, बी यह अलीगढ़ स्कूल की वफादार राजनीति को नापसंद करता था, सी इसने राष्ट्रवादी आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की वकालत की, डी यह स्वशासन के आधुनिक विचारों से प्रेरित था, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो अहरार आंदोलन जो कि 1910 ईस्वी में हुआ था इससे संबंधित ए बी और सी तीनों स्टेटमेंट सही हैं, यानी कि मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खां और हसन इमाम के नेतृत्व में उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन था, या अलीगढ़ स्कूल की वफादार राजनीति को नापसंद करती थी और इसने राष्ट्रवादी आंदोलन में सक्रिय भूमिका की वकालत की, यानी कि 25 का आंसर हो जाएगा ई। 26 राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई थी, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, अकबर द्वितीय द्वारा, ब्रह्म समाज के अनुयायियों द्वारा, सती प्रथा का विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों द्वारा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अकबर द्वितीय के द्वारा।
27 किसने बॉम्बे मिल्स हैंड एसोसिएशन का सूत्रपात किया? एन एम लोखंडे, बीपी बाड़िया, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। बॉम्बे मिल्स हैंड्स एसोसिएशन का सूत्रपात एन एम लोखंडे के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न, 1926 ईस्वी में पंजीकृत मान्यता प्राप्त बॉम्बे टेक्सटाइल मिल्स लेबर एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया? एन एम जोशी, बीपी बाड़िया, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि एन एम जोशी। अगला प्रश्न यहां पर आपको मैच करना है, विकल्प दिए गए हैं, विकल्प के अनुसार देखकर आपको यहां पर मैच करना है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन, चेन्नई लेबर यूनियन, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। सूची दो में है महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, एन एम जोशी, बीपी बाड़िया। तो इसको अगर मैच करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि देखिए ए का आंसर 3, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन, एन एम जोशी। इसके बाद चेन्नई लेबर यूनियन, इनका हो जाएगा आंसर बीपी बाड़िया। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, महात्मा गांधी। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, लाला लाजपत राय। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी 3, 4, 1, 2। 39 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मोपला विद्रोह, केरला, पावना विद्रोह, बंगाल, एका विद्रोह, एका आंदोलन, अवध, बिरसा मुंडा विद्रोह, बिहार, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि सभी सुमेलित हैं। मोपला विद्रोह केरल में हुआ, बिल्कुल, पावना विद्रोह बंगाल में हुआ, एका अवध में, और बिरसा मुंडा बिहार में हुआ, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ई, सभी सही हैं। 31, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। आपको यहाँ कालानुक्रम सजाना है कि कौन सा विद्रोह पहले हुआ था। तो देखिए नील विद्रोह जो हुआ है 1859 ईस्वी में बंगाल में हुआ, संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था, दक्कन दंगा 1875 में हुआ, और सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ। इसके आधार पर मैच कीजिए। तो सबसे पहले इसके आधार पर आएगा संथाल विद्रोह 1855, यानी कि सबसे पहले दो आएगा, दो यहाँ भी है, दो यहाँ भी है। 1855 के बाद 1857, यानी कि चार आएगा, तो चार दोनों जगह है, ठीक है। इसके बाद 1859 एक आएगा, यानी कि 2, 4, 1, 3, इसका आंसर हो जाएगा 31 का डी। 32 नंबर प्रश्न, यहाँ भी आपको मैच करना है, ठीक है। एक तरफ विद्रोह दिया हुआ है, दूसरे तरफ स्थान दिया हुआ है। बघेरा विद्रोह, रामोसी विद्रोह, सतवंडी विद्रोह, मंदिर प्रवेश विद्रोह। देखिए बघेरा विद्रोह जो हुआ वह बड़ौदे में हुआ है, ठीक है। एक आंसर हो जाएगा आपका एक। रामोसी विद्रोह जो हुआ है वह पश्चिमी घाट में हुआ है। बी का आंसर हो जाएगा आपका चार। सतवंडी विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ है, तो इसका आंसर सी का 3, यानी कि 1, 4, 3। तो डी का स्वाभाविक क्या बचा, 2। 1, 4, 3, 2। 1, 4, 3, 2 इसका आंसर हो जाएगा ए में आ रहा है, यानी कि 32 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 33, फिर से यहाँ पर आपको मैच करना है, सूची 1 और सूची 2 का आपको सुमेलित करना है 33 में, ठीक है। कलकत्ता मदरसा, कलकत्ता मदरसा वारन हेस्टिंग्स संबंधित रहे, एक आंसर हो जाएगा 2। एंग्लो हिंदू कॉलेज, एंग्लो हिंदू कॉलेज से राजा राम मोहन राय संबंधित रहे, बी का आंसर हो जाएगा 3। बेथुन कॉलेज, बेथुन कॉलेज से आपके संबंधित रहे जॉल एलियट, सी का आंसर हो जाएगा 1। तो डी का आंसर क्या हो जाएगा 4। 2, 3, 1, 4, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा सी, 33 का आंसर सी। 34, किसने आर्य महिला समाज की स्थापना की और विधवाओं को शिक्षित करने का पहला प्रयास किया? पंडिता रामाबाई, लक्ष्मी रेड्डी, ईश्वरचंद विद्यासागर, सरला देवी चौधरानी, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पंडिता रामाबाई 1882 में आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। 35, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1923 में घटित हुई? अहमदाबाद मिल हड़ताल, बुरसाद सत्याग्रह, नागपुर झंडा सत्याग्रह, मुस्लिम लीग का पुनरुद्वार, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो 1923 की घटना पूछा गया है, तो इसका आंसर बी और सी दोनों सही होगा, यानी बुरसाद सत्याग्रह और नागपुर झंडा सत्याग्रह, ये दोनों 1923 ईस्वी में हुई थी। इसके अलावा अहमदाबाद मिल हड़ताल जो है 1918 में हुआ था, और मुस्लिम लीग का पुनरुद्वार यहाँ पर पूछा गया है। तो जो मुस्लिम लीग का पुनरुद्वार था, देखिए मुस्लिम लीग का जो पुनरुद्वार हुआ है वह गठन तो 1906 में हुआ था, लेकिन 1925-4 के बाद यह फिर से पुनर्जीवित माना जाता है 1924 के बाद। तो इसका आंसर हो जाएगा जो 1923 में घटित हुआ बी और सी, यानी कि इसका आंसर एक से अधिक है, यानी कि इसका आंसर ई है। 36,
निम्नलिखित में से किसने मेघदूतम का अनुवाद किया? चार्ल्स विल्किंस, विलियम जोन्स, होरेस विल्सन, जोनाथन डंकन, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि विल्सन के द्वारा मेघदूतम का अनुवाद किया गया। 37, किस अंग्रेज ने सबसे पहले भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस, अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि चार्ल्स विल्किंस ने सबसे पहले भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। 38, दिए गए संगठनों के गठन का सही क्रम क्या है? यहाँ तीन संगठन है बेसिकली, इसमें सही क्रम के अनुसार कौन बैठ रहा है इसे आपको बताना है। तो ब्रह्म सभा की स्थापना हुई थी, उसके बाद आर्य समाज की स्थापना, उसके बाद मद्रास महाजन की स्थापना हुई थी। अगर ब्रह्म सभा की स्थापना देखी जाए 1828 में, आर्य समाज 1825, और मद्रास महाजन सभा जो है वह संभवतः 1884 में हुई थी। तो यह सही क्रम है, तो इसका आंसर हो जाएगा 38 का ए। 39, निम्नलिखित में से कौन सा मुस्लिम नेता अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापकों में से एक नहीं था? मोहम्मद अली जीना, आगा खां, ढाका के नवाब सलीमुल्ला, नवाब मोइन उल मुल्क। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापकों में से कौन नहीं था, संस्थापक नहीं था पूछा गया है, मोहम्मद अली जीना। बेशक वे मुस्लिम लीग में आगे जाकर शामिल हुए, लेकिन संस्थापक पूछा गया है तो वह मोहम्मद अली जीना नहीं थे। 39 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 40, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था कि स्वराज को सभी विदेशी नियंत्रण से मुक्त पूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए? मजहरुल हक, मौलाना हसरत मोहानी, हकीम अजमल खान, अबुल कलाम आज़ाद, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि हसरत मोहानी। 41, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र अनिवार्य रूप से नरम पंथियों की नीति का मुख्य पत्र था? न्यू इंडिया, लीडर, यंग इंडिया, फ्री प्रेस जनरल, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि लीडर जो था वह उदारवादियों की नीति का एक मुख्य पत्र था। 41 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 42, 1880 के कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन थी? कादम्बिनी गांगुली, पंडिता रमाबाई, विजयलक्ष्मी पंडित, एनी बेसेंट, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कांग्रेस के अधिवेशन को 1880 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक जिसने संबोधित किया था कादम्बिनी गांगुली थी। 43, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला उपक्रम था? असहयोग आंदोलन, रॉलेट सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, डांडी मार्च, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए यहाँ प्रश्न अखिल भारतीय राजनीति में पूछा गया है, तो यह इसका आंसर हो जाएगा रॉलेट सत्याग्रह। अगर यह प्रश्न पूछा जाता कि किस मूवमेंट के बाद गांधी जी राष्ट्रीय आंदोलन पे एक उनका फैलाव हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन पर उन्होंने ख्याति प्राप्त की, उन्हें प्रसिद्धि मिली, तो वह होता आंसर चंपारण सत्याग्रह। लेकिन अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला उपक्रम पूछा गया है वह होगा रॉलेट सत्याग्रह, क्योंकि चंपारण आंदोलन एक सीमित स्थल पर हुआ था। लेकिन इसका आंसर यहाँ पर होगा बी, क्योंकि अखिल भारतीय राजनीति पूछा गया है। 43 का आंसर बी। 44, पूना समझौते का परिणाम यह हुआ कि सामान्य निर्वाचक मंडल की सीटों में से दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या को समाप्त कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, समान स्तर पर बनाए रखा गया या घटा दिया गया, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो उनकी सीटों की जो संख्या थी दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटें, उनकी संख्या को बढ़ा दिया गया। 44 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 45, गांधी जी ने किस तिथि को नमक कानून को तोड़ा था? 11 मार्च 1930, 12 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930, 9 अप्रैल 1930, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो गांधी जी ने किस तिथि को नमक कानून तोड़ा? 6 अप्रैल 1930 को। 12 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक उनका डांडी मार्च चला, और 6 अप्रैल को उन्होंने अपना नमक कानून को तोड़ा था। तो 45 का आंसर हो जाएगा आपका सी, 12 मार्च से 5 अप्रैल, उसके बाद 6 अप्रैल। 46 प्रश्न नंबर है, कौन सा सही सुमेलित है? आपको चूज करना है कि कौन सही सुमेलित है। चंपारण सत्याग्रह, पहला असहयोग, खेड़ा सत्याग्रह, पहली सामूहिक हड़ताल,
अहमदाबाद मिल हड़ताल पहली सविनय अवज्ञा, रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह पहली भूख हड़ताल। तो इनमें से कौन सही सुमेलित है? तो देखिए इनमें से सही सुमेलित अगर देखा जाए तो कोई भी नहीं है, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह जो है वह पहली सविनय अवज्ञा मानी जाती है। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह के समक्ष होनी चाहिए पहली सविनय अवज्ञा। फिर खेड़ा सत्याग्रह जो है वह पहला असहयोग माना जाता है। अहमदाबाद मीड़ हड़ताल जो है पहली भूख हड़ताल मानी जाती है, और रॉयलेट एक्ट के खिलाफ पहला सत्याग्रह पहली सामूहिक हड़ताल मानी जाती है। तो इस प्रकार यहाँ पर कोई सुमेलित नहीं है, तो 46 का आंसर हो जाएगा ई। 47, निम्नलिखित में से किसने 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया? भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया था। 47 का आंसर हो जाएगा बी। 48, भारत के लिए अधिराज्य के दर्जे वाले संविधान का प्रारूप तैयार करने का पहला प्रयास किसके जवाब में किया गया था? मार्लेमिंटो सुधार, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार, साइमन कमीशन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि साइमन कमीशन के प्रतिक्रिया स्वरूप। 49, निम्नलिखित में से कौन 1939 में अखिल भारतीय राज्य प्रजा परिषद का अध्यक्ष था? जयप्रकाश नारायण, पंडित जवाहरलाल नेहरू, शेख अब्दुल्ला, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? राजकुमार शुक्ल, खेड़ा सत्याग्रह, अंबालाल साराभाई, अहमदाबाद मिल हड़ताल, इंदुलाल या गणिक, बारदोली सत्याग्रह, वल्लभ भाई पटेल, चंपारण सत्याग्रह, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो सही सुमेलित है कहा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अहमदाबाद मिल हड़ताल। 51, महात्मा गांधी से जुड़ा अहिंसा और सविनय अवज्ञा का सिद्धांत किसकी रचनाओं से प्रभावित था? ए, चर्चिल, इरविन एवं टॉल्स्टॉय, बी, रस्किन, टॉल्स्टॉय एवं थोरो, सी, थोरो, ह्यूमन एवं सॉ, डी, क्रिप्स, टॉल्स्टॉय एवं होवेस, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि रस्किन, टॉल्स्टॉय एवं थोरो। 51 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 52, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? बैबेल योजना 1946, कैबिनेट मिशन 1945, अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स मिशन 1943, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो दोस्तों कौन सही सुमेलित है? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अगस्त प्रस्ताव 1940। 53 नंबर प्रश्न, भारत के वायसराय के रूप में किसके कार्यकाल के दौरान शहीद भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी दी गई थी? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1903 में जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी तब यहाँ के गवर्नर जनरल वायसराय लॉर्ड इरविन थे। 53 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 54, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में सजाना है आपको? डांडी मार्च, शिमला समझौता, तिलक की मृत्यु, चंपारण सत्याग्रह। देखिए डांडी मार्च 12 मार्च से 5 अप्रैल 1930 को, केवल मैं ईस्वी लिख दे रहा हूँ 1930 को। इसके बाद है शिमला समझौता 1945, तिलक की मृत्यु 1920, चंपारण सत्याग्रह 1917। अब इसको कालानुक्रम में सजा देना है, इसका आंसर हो जाएगा डी, 4312। 55, निम्नलिखित में से कौन लाल कुर्ती के नाम से प्रसिद्ध संगठन का नेता था? लाल कुर्ती बहुत महत्वपूर्ण संगठन रहा, खान अब्दुल गफार खान के द्वारा गठित किया गया था। 55 का आंसर हो जाएगा बी। 56, करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो आप लोग जानते हैं करो या मरो महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय 8 अगस्त 1942 ईस्वी को दिया गया था। तो 56 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 57, निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही कूट का चयन करना है। यहाँ जो दिया हुआ है उसे आपको मिलान करना है। मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग 1940 ईस्वी, ए का आंसर हो जाएगा आपका 4। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में सुभाष चंद्र बोस 1938 ईस्वी, बी का आंसर हो जाएगा आपका 3। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय करना 1929, सी का आंसर हो जाएगा 2। कांग्रेस मंत्रियों का त्यागपत्र 1939, डी का आंसर हो जाएगा 1। यानी कि 4321 आपको देखना है, 4321 कौन से विकल्प में है? तो विकल्प नंबर बी यानी कि 57 का आंसर हो जाएगा बी। 58,
निम्नलिखित का मिलान करना है, यहाँ पर फिर प्रश्न मिलान करना है, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इंडियन सोसाइटी, इंडियन लीग, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, विलियम एडम, यानी कि ए का आंसर हो जाएगा आपका दो, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी के हैं, बी का आंसर हो जाएगा आपका तीन, इंडियन एसोसिएशन ए एम बोस का है, सी का आंसर हो जाएगा चार, इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष, डी का आंसर हो गया एक, दो तीन चार एक, दो तीन चार एक यानी कि 58 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 59 आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में आदमगढ़ उद्घोषणा किस घटना से संबंधित है, बक्सर का युद्ध, पलासी का युद्ध, 1857 का विद्रोह, अवध का विलय, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 59 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1857 का विद्रोह। सिक्सटी नंबर प्रश्न, तीन खंडों की विशालकाय रचना ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्रकाशित की गई थी, यानी कि ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक निम्नलिखित में से कौन हैं, लोकमान्य तिलक, जेम्स मिल, वीर सावरकर, विलियम हंटर, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जेम्स मिल। 61 सूर्यास्त का नियम किससे संबंधित है, सूर्यास्त का नियम अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित है, जमींदारी प्रथा के दौरान इसको लागू किया गया था, 61 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सूर्यास्त का नियम अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित है, 61 का आंसर हो जाएगा सी। 62 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की शासिका महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर प्राप्त किया, इस चार्टर का क्या निहितार्थ था, ए ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरे यूरोप में पूर्व के साथ व्यापार करने का अनन्य अधिकार दिया गया, बी ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्व के साथ व्यापारिक संपर्क बना सकती थी लेकिन व्यापार पर एक अधिकार समाप्त किए बिना, सी ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन में पूर्व के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार मिला, डी इस चार्टर ने अन्य यूरोपीय शक्तियों को पूर्व के बाजारों में प्रवेश करने से रोक दिया। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 62 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन में पूर्व के साथ व्यापार करने का एक अधिकार मिला, 62 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 63 ए ओ हिम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, 1885 से 1906 INC के महासचिव के रूप में उन्होंने कार्य किया है, यह बिल्कुल सही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बिल्कुल सही, कांग्रेस के 27वें अधिवेशन में ए ओ हिम के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया, यह भी सही है, और उन्होंने उर्दू पत्रिका मुहिब रैया का आयोजन और प्रबंधन किया, यह भी सही है, यानी कि सभी विकल्प सही हैं। 63 का आंसर हो जाएगा ई। किसने गवर्नर जनरल रहते हुए सर्वोच्चता की नीति प्रारंभ की थी, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सर्वोच्चता की नीति लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा प्रारंभ की गई थी। 65 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस निम्नलिखित में से किससे संबंधित था, ए किसी भी साधन से अलग मुस्लिम राष्ट्र के गठन की खुली मांग, बी संवैधानिक योजना के संबंध में कैबिनेट मिशन की घोषणा, सी शाही भारतीय नौसेना के विद्रोह का उदय, डी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा करो या मरो का आह्वान, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किसी भी स्थिति से अलग मुस्लिम राष्ट्र के गठन की खुली मांग से संबंधित रहा है। 66 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा निम्नलिखित में से किसका प्रस्ताव दिया गया, ढीले ढाले दो स्तरीय परिसंघ, भारत और पाकिस्तान के दो अधिराज्यों को सत्ता का हस्तांतरण, भारतीय और अंग्रेजों की अंतरिम सरकार का गठन, क्षेत्रीय स्वायत्तता स्वीकार करते हुए राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के लिए संघीय संरचना। 66 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1946 की कैबिनेट मिशन योजना से यह संबंधित रहा है। 67 नंबर प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्थापित स्वदेश बांधव समिति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ए यह चटगांव में सक्रिय थी, बी इसके स्थापना सूर्य सेन ने की थी, सी यह मुख्य रूप से क्षेत्र के मुस्लिम किसानों के बीच जन समर्थन पैदा करने में सफल रही, डी यह लोगों तक केवल स्वदेशी का संदेश पहुंचाने के लिए स्थापित की गई थी। कौन सा कथन सही है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि जो देखिए स्वदेश बांधन समिति जो है वह सूर्यसेन के द्वारा नहीं बल्कि अश्विनी कुमार दत्ता के द्वारा स्थापित की गई थी, और यह बेसिकली बारिसाल में इसका गठन किया गया था। तो पहला गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया, और तीसरा इसका आंसर सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 67 का आंसर सी। 68
1929 में लॉर्ड इरविन के द्वारा जारी दीपावली घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, यह एक घोषणा थी जो नियत समय में भारत को प्रभुत्व का दर्जा प्रदान करेगी। बी, यह एक घोषणा थी कि गोलमेज सम्मेलन में सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। सी, यह एक घोषणा थी कि केंद्रीय विधानमंडल में एक तिहाई सीटें मुस्लिमों के लिए आरक्षित होगी। डी, यह एक घोषणा थी कि भारतीय राज्यों और केंद्र सरकार के बीच संबंधों को सुधारने के उपाय किए जाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि लॉर्ड इरविन के द्वारा दीपावली घोषणा की गई थी, उसमें एक नियत समय में भारत को प्रभुत्व का दर्जा प्रदान करने की बात की गई थी। 68 का आंसर हो जाएगा ए। 69, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अच्युत पटवर्धन और सुचिता कृपलानी ने भूमिगत रेडियो का शुभारंभ किया। बी, बलिया और तमलुक में समानांतर सरकारें स्थापित की गई। सी, मुस्लिम लीग ने आंदोलन में भाग लिया था। डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने को छोड़कर सभी महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, इनमें से कथन जो सही है वह इसका आंसर हो जाएगा बी। 69 का बी सही है, क्योंकि सुचिता कृपलानी और अच्युत पटवर्धन ने भूमिगत रेडियो का प्रारंभ नहीं किया, बल्कि उषा मेहता के द्वारा रेडियो प्रारंभ किया गया था। पहला गलत हो गया, दूसरा सही है। मुस्लिम लीग ने आंदोलन में भाग लिया, वो भी भारत छोड़ो आंदोलन नहीं, मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को छोड़कर सभी की गिरफ्तारी की गई नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 69 का बी सही है। 70, नील विद्रोह के संबंध में सही कथन को चुनना है। इसका नेतृत्व जो है वह दिगंबर और विष्णु विश्वास के द्वारा इसका समर्थन किया गया था। यह कथन सही है। यह नील किसानों पर उच्च कराधान का परिणाम थी, सही है। स्थिति की पड़ताल करने के लिए नील आयोग का गठन किया गया, सही है। यह बिहार में हुआ था, नहीं, बिहार के बजाय बंगाल में हुआ, यानी कि इसका कथन ए बी और सी सही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 70 का ई, एक से अधिक सही है। 71, निम्नलिखित में से किस देश में सुभाष चंद्र बोस ने टाइगर लीजन का गठन किया था? सिंगापुर, जर्मनी, जापान, इटली, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1941 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जर्मनी में टाइगर लीजन की गठन किया गया था। 71 का आंसर बी। 72, राजा राम मोहन राय की गतिविधियों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। सती विरोधी संघर्ष 1818 से प्रारंभ होता है। वेदांता कॉलेज की स्थापना 1825 ईस्वी में, आत्मीय सभा 1814, ब्रह्म समाज 1828। अब इसके अकॉर्डिंग आप मैच कर लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा ए। 73, राजा राम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वे अंतर्राष्ट्रीयतावादी थे, बिल्कुल सही। बहुदेववाद के पक्षधर थे, नहीं, वे एकेश्वरवाद के पक्षधर थे। वह सामाजिक सुधारों के पक्ष में थे और एक नए धर्म की स्थापना करना चाहते थे, नहीं, एक नए धर्म की स्थापना करना वे नहीं चाहते, यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट गलत। उन्होंने नेपल्स और स्पेनिक अमेरिका की क्रांति का समर्थन नहीं किया, ये तीनों स्टेटमेंट गलत है। तो कौन सा कथन सही है? 73 का आंसर हो जाएगा ए। 74, निम्नलिखित में से कौन सा प्रार्थना समाज का सामाजिक एजेंडा नहीं था? विधवा पुनर्विवाह बिल्कुल था एजेंडा, महिला शिक्षा यह भी था, जाति व्यवस्था की अस्वीकृति यह भी था, मूर्ति पूजा का विरोध यह प्रार्थना समाज का एजेंडा नहीं रहा है। 74 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 75, यंग बंगाल आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है वह सही है? ए, इसके अतिवादी विचारों ने संस्थापक के लिए परेशानी पैदा की, सही है। इसने जनता का समर्थन प्राप्त किया, उनका अतिवाद प्रकृति में व्यवहारिक था। दादा भाई नेहरूजी ने उन्हें बंगाल की आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत के रूप में चिन्हित किया है। ये दादा भाई नेहरूजी नहीं, बल्कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा ऐसा किया गया है। कौन सा कथन सही है? तो 75 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि केवल एक ए नंबर कथन सही है। 26, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और संबंधित व्यक्तित्व की पहचान करें कि वे व्यक्ति कौन कौन से हैं। यहाँ पर आपको सिचुएशन दिया गया है। वे संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे, उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में कार्य किया है, कलकत्ता में बेथिन स्कूल की स्थापना की है और स्कूलों के सरकारी निरीक्षक थे। वे निम्नलिखित में से कौन थे? हेनरी विवियन डेरेजियो, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 77, निम्नलिखित को सुमेलित करना है, ठीक है। दर्पण, दर्पण बाल शास्त्री जांभेकर की रचना है, एक आंसर हो जाएगा आपका एक्स। संवाद कॉमेडी, संवाद कॉमेडी राजा राम मोहन रॉय, आर एम रॉय, यानी कि दो का आंसर हो जाएगा आपका डब्लू।
सी सुधारक, यह गोपाल गणेश आगरकर। तीन का आंसर हो जाएगा वाई। चार तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, यानी कि हो जाएगा जेड, यानी कि एक्स डब्ल्यू वाई जेड। देखिए एक्स डब्ल्यू वाई जेड यानी कि 77 का आंसर हो जाएगा बी। एक्स डब्ल्यू वाई जेड यानी कि 77 का आंसर बी। 78 मुजफ्फरपुर बम कांड किस वर्ष में हुआ था। 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर बम कांड घटित हुई थी जिसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी को गिरफ्तार किया गया था। 79 परमहंस मंडली ब्लैंक्स में थी और ब्लैंक्स में रुचि रखती थी। देखिए परमहंस मंडली जो थी वह महाराष्ट्र से संबंधित और जाति के नियमों को तोड़ने में यह रुचि रखती थी। 79 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 80 पारंपरिक ढंग से शिक्षा प्रदान करने के लिए 1902 ईस्वी में हरिद्वार में स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा कांगड़ी गुरुकुल की स्थापना की गई थी। 80 का आंसर हो जाएगा ए। 81 निम्नलिखित को सुमेलित करना है, ठीक है, यहाँ पर आपको सुमेलित करना विकल्प दिए गए हैं। सेवा सदन, सेवा सदन का हो जाएगा मालावारी, एक का आंसर हो जाएगा आपका क्यू। धर्म सभा राधाकांत देव, दो का आंसर हो जाएगा पी। देव समाज शिवनारायण अग्निहोत्री, तीन का आंसर हो जाएगा आपका पी। बी राधाकांत देव यानी कि आर, तो क्यू आर पी। चार का विकल्प हो जाएगा राधा स्वामी सत्संग शिवदयाल साहब, यानी कि चार का आंसर एस। क्यू आर पी एस, क्यू आर पी एस यानी कि आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। किस वर्ष पहली बार जनगणमन गाया गया था। जनगणमन पहली बार 1911 ईस्वी में गाया गया था। 82 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 83 सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत आपको चुनना है। ए रामास्वामी नायकर द्वारा आत्मसम्मान आंदोलन से पहले गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी स्थापना की थी। इसका उद्देश्य भारत की सेवा के लिए राष्ट्रीय मिशनरी को प्रशिक्षित करना था। इसने संवैधानिक या असंवैधानिक तरीकों से भारतीय लोगों के हितों को बढ़ावा देने के लिए काम किया। गोखले की मृत्यु के बाद श्रीनिवास शास्त्री ने अध्यक्ष पद का संभाला। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि असंवैधानिक जो वर्ड लिखा हुआ है वह गलत है। 83 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 84 निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन ब्राह्मणवाद के खिलाफ ब्राह्मण विरोधी आंदोलन था। आत्मसम्मान आंदोलन, वोकलीग संघ, नारायण धर्म परिपालन योगम, जस्टिस आंदोलन, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, यह सभी सही होगा, यानी कि इनमें सभी जो आंदोलन है वह ब्राह्मणवाद के विरोधी था। संक्षेप में आप सुन लीजिए, जैसे पहला है आत्मसम्मान आंदोलन या दक्षिण भारतीय आंदोलन था और इसका उद्देश्य था पिछड़ी जातियों को समान अधिकार दिलाना। वोकलीग संघ जो है मैसूर में 1905 में ब्राह्मण विरोधी आंदोलन प्रारंभ किया गया था और उसे ही वोकलीग संघ कहा गया। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम जो है वह जो है नारायण धर्म गुरु के द्वारा प्रारंभ किया गया था, यह भी मंदिरों में अछूतों का प्रवेश इत्यादि से संबंधित रहा है। और जस्टिस आंदोलन मद्रास प्रेसिडेंसी में गैर ब्राह्मणों की नौकरियों को प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था, यानी कि सभी कहीं ना कहीं ब्राह्मणवाद के खिलाफ ब्राह्मण विरोधी आंदोलन चेहरा रहा है, इनका एक स्वरूप रहा है। 84 का आंसर हो जाएगा ई। 85 लंदन में किस तिथि को प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी को हुआ था, यानी कि 85 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 86 बाल विवाह के खिलाफ प्रतिज्ञा लेने के लिए ब्लैंक्स के द्वारा किस संगठन के द्वारा प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि भारतीय सामाजिक सम्मेलन के द्वारा बाल विवाह के खिलाफ प्रतिज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। 87 टीटू मीर का आंदोलन किस राज्य में या फिर किस स्थान पर टीटू मीर का आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो जो टीटू मीर का आंदोलन रहा है वह बंगाल में 1782 से लेकर 1831 ईस्वी के मध्य काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा है, बंगाल के उत्तर परगना 24 डिस्ट्रिक्ट में। 84 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 88 भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव ग्वालियर टैंक बम्बई में 7-8 अगस्त 1942 ईस्वी को पारित किया गया था। 88 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 89 अकाली आंदोलन के चलते ए भ्रष्ट उदासी महंतों के नियंत्रण से सिख गुरुद्वारों को मुक्ति मिली थी, यह कथन सही है। बी अहिंसक असहयोग आंदोलन का मार्ग प्रशस्त हुआ, सही है। 1925 में सिख गुरुद्वारा अधिनियम पारित किया गया, सही है। और यह सांप्रदायिक आंदोलन था, यह एक गलत है, यानी कि ए बी सी सही है, यानी कि एक से अधिक सही है, यानी कि 89 का आंसर हो जाएगा आपका ई।
90 निम्नलिखित को उनकी शुरुआत के कालानुक्रम में आपको सजाना है। फराजी आंदोलन, फराजी आंदोलन 1819 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। अहमदी आंदोलन 1889 में प्रारंभ हुआ। अलीगढ़ आंदोलन 1825 में प्रारंभ हुआ और देवबंद स्कूल 1866 में प्रारंभ हुआ। इसे आप मैच कर लीजिए तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1432। 91 भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा शुरू किए गए पृथक निर्वाचक मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो पृथक निर्वाचक मंडल का जो मेन जो थीम होता है वह मुस्लिमों के लिए विशेष रूप से आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में मुस्लिम केवल मुस्लिम उम्मीदवारों को वोट दे सकते हैं। यानी कि पृथक निर्वाचक प्रणाली जिस समुदाय के लिए गठित की जाएगी उस समुदाय के उम्मीदवारों को सिर्फ उसी समुदाय के मतदाताओं के द्वारा चुना जाएगा, यानी कि 91 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 92 निम्नलिखित में से कौन सा देवबंद स्कूल के बारे में सही नहीं है? ए मुस्लिम उलेमा के रूढ़िवादी वर्ग के द्वारा संगठित किया गया, बिल्कुल सही है। यह प्रकृति में पुनरुत्थानवादी था, यह भी कौन सा कथन सही नहीं, यह सही है। यह हिंदुओं के खिलाफ जिहाद के पक्ष में था, यह कथन सही नहीं है। यानी कौन सा सही नहीं है, तो 92 का आंसर सी सही नहीं है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। 93 कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो पहला अंग्रेज जॉर्ज यूले 1888 ईस्वी में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी और इस पद को धारण करने वाला पहले गैर भारतीय या फिर यूरोपीय या अंग्रेज था। 94 निम्नलिखित अधिनियमों को व्यवस्थित करना है कि कालानुक्रम में इसे व्यवस्थित करना है? भारतीय दास्ता अधिनियम, धार्मिक नियोग्यता अधिनियम, सती निषेध अधिनियम, मूल निवासी विवाह अधिनियम, सहमति की आयु अधिनियम। भारतीय दास्ता अधिनियम 1843, ठीक है। धार्मिक अयोग्यता अधिनियम 1850, सती प्रथा निषेध 1928, कंसेंट बिल 1829 है सती प्रथा, कंसेंट यानी कि सहमति की आयु 1891, मूल निवासी अधिनियम 1872। इसके अकॉर्डिंग आप मैच कर लीजिए, यानी कि भारतीय दास्ता अधिनियम 1843 ईस्वी में, धार्मिक अयोग्यता अधिनियम 1850, सती प्रथा 1828, मूल निवासी 1872 और कंसेंट 1891। इसके आधार पर आप आंसर मैच कर लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा बी। 95 कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? तो जो स्वदेशी का जो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में स्वीकार किया गया था, इसका आंसर हो जाएगा बी। 96 एक इकाई के रूप में द्वितीय कर्नाटक युद्ध में कौन लड़ा था? देखिए मैं शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूँ कर्नाटक युद्ध को लेकर। दो गुट बने थे MCF वर्सेस NAE। MCF मुजफ्फर जंग, चंदा साहब फ्रांसीसी, नासिर जंग अनवरुद्दीन ब्रिटिश। अब इसी को आपको मैच करना है तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि MCF हमने शॉर्ट में लिख दिया, एम से मुजफ्फर जंग, सी से चंदा साहब और एफ से फ्रांसीसी। एक गुट था, दूसरे गुट में अनवरुद्दीन नासिर जंग और ब्रिटिश थे, इंग्लैंड इंग्लिश ब्रिटिशर्स। तो 96 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि एक गुट में MCF रहा है, ठीक है, 96 का बी। 97 प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसके साथ ही ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध भी जो है वह समापन हो गया। बी संधि शर्तों के अनुसार फ्रांसीसियों को अफ्रीका में उनके क्षेत्र वापस मिल गए। सी प्रथम कर्नाटक युद्ध यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से संबंधित एंग्लो फ्रांस युद्ध का ही विस्तार था। डी इस युद्ध को फ्रांसीसी सेना और कर्नाटक के नवाब की सेना के बीच हुए सेंट थोमे चेन्नई की लड़ाई के लिए याद किया जाता है, जिनसे अंग्रेजों ने मदद की अपील की थी। ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका कथन हो जाएगा बी सही नहीं है, क्योंकि फ्रांसिसो का अफ्रीका में उनके क्षेत्र वापस नहीं हुए थे, बल्कि एक साल अपील की जो संधि हुई थी 1748 ईस्वी में उसे मद्रास को फ्रांसिसो को वापस किया गया था। 97 का आंसर हो जाएगा बी। 98 काबुल में भारत की अस्थायी सरकार
में कौन गृह मंत्री था? तो जो अस्थाई सरकार बनी थी 1915 ईस्वी में, इसमें आगे मैं गृह मंत्री बता दूं तो गृह मंत्री जो थे इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि गृह मंत्री अबे उदलाथ हैं। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि आखिर जो भारत की अस्थाई सरकार काबुल में 1915 ईस्वी में गठित की गई उसके प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री थे बरकतुल्लाह, गृह मंत्री बता दिया। इसके बाद अध्यक्ष थे राजा महेंद्र प्रताप, तो 98 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि गृह मंत्री अबेदुल्ला सिंधी। 99, भारत में अंग्रेज क्यों सफल हो गए और फ्रांसीसी क्यों विफल हो गए? ए, अंग्रेजी कंपनी निजी कंपनी थी जबकि फ्रांसीसी कंपनी राजकीय संस्था थी। बिल्कुल सही, फ्रांसीसी नौसेना ब्रिटिश नौसेना से हिंतर थी, यह भी सही है। बंगाल के धन ने अंग्रेजों की सहायता पहुंचाई, यह भी सही है। और फ्रांसीसियों ने अपनी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा को व्यावसायिक हितों के अधीन कर दिया, यह भी सही है। यानी कि इनमें से सभी सही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका इसका आंसर हो जाएगा 99 का ई। 100, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 ईस्वी में सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 100 का बी। 101, यानी कि 101 नंबर प्रश्न, किस पर चापेकर बंधुओं को भड़काने का आरोप लगाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक की जो पत्रिका थी उसमें उन्होंने चापेकर बंधुओं को भड़काने का आरोप अंग्रेजों के द्वारा लगाया गया है। 101 का आंसर हो जाएगा बी। 102, नील दर्पण का लेखक कौन था? तो नील दर्पण का जो लेखक है दीनबंधु मित्र है। 102 का आंसर हो जाएगा डी। 103, श्रीरंगपट्टनम की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, मैसूर के आधे इलाके पर विजेताओं ने कब्जा कर लिया था। बी, टीपू से 5 करोड़ का युद्ध हर जाने के रूप में वसूला गया। नहीं, 5 करोड़ नहीं बल्कि यहाँ पर होगा 3। डिंडुगुल और मालाबार मराठों के पास चले गए थे। टीपू के 4 बेटों को अंग्रेजों ने बंधक बना लिया, 4 नहीं बल्कि 2 बेटे को अंग्रेजों ने बंधक बना लिया। यह सभी कथन गलत है, कौन सा आंसर सही है? 103 का आंसर हो जाएगा आपका ए सही है। 104, निम्नलिखित में से किसे भारतीय शिक्षा के मैग्ना काटा कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना काटा 1854 के वुड डिस्पैच को माना जाता है। 104 का आंसर हो जाएगा ए। किस वर्ष सार्वजनिक शिक्षा की सामान्य समिति को शिक्षा परिषद के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1841 ईस्वी। 106, ब्रिटिश भारत के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी आयोग या समिति शिक्षा से संबंधित थी? सार्जेंट आयोग, मैकडोनल आयोग, फ्रेजर आयोग, हटोंग समिति, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए, शिक्षा से संबंधित रहा सार्जेंट और हटोंग, यानी कि इसका आंसर ए और डी सही है, यानी कि एक से अधिक सही है, यानी कि 106 का आंसर हो जाएगा आपका ई। 107, 1857 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्वविद्यालय नहीं स्थापित किया गया था? तो देखिए, 1857 में 3 जगह पर विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में स्थापित किए गए। तो कौन से जगह पर स्थापित नहीं किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि नई दिल्ली में स्थापित नहीं किया गया। अगला, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की समस्याओं की जाँच के लिए सैडलर आयोग का गठन किया गया था? तो सैडलर आयोग का गठन 1917 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के समाधान के लिए किया गया था। 108 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 109, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में पहली बार भारत में लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1919, 1909 का एक्ट, 1935 का अधिनियम, 1858 का अधिनियम, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा पहली बार भारत में लोक सेवा का गठन का प्रावधान किया गया, यानी कि 109 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 110, किस वायसराय ने एचिसन समिति की नियुक्ति की थी? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि लॉर्ड डफरिन के द्वारा एचिसन कमेटी का गठन किया गया था। 111, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में 2 या 2 से अधिक प्रांतों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया है, यानी कि 111 का आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से भारत का पहला पंजीकृत मजदूर संघ कौन था? भारत का पहला पंजीकृत मजदूर संघ मद्रास लेबर यूनियन था, जिसका स्थापना 1918 ईस्वी में वी कलान सुंदरम मुदलियार
परिवार के साथ बीपी बाड़िया ने की थी? 112 का आंसर हो जाएगा सी। 113, एनएम राय के द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 ईस्वी में कहां पर की गई थी? तो इसका स्थापना ताशकंद में की गई थी, यानी कि एमएन रॉय के द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1920 में जो गठित की गई उसका गठन ताशकंद में किया गया था। 113 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 114, भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किसके द्वारा किया गया था? हिंदू महासभा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, रियासतों के द्वारा, आरएसएस के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि इनमें से किसी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ई। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 ईस्वी में की गई थी। 115 का आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से कौन जुड़ा हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण इससे जुड़े हुए थे, आचार्य नरेंद्र देव जुड़े हुए थे, यानी कि इसका आंसर एक से अधिक होगा, यानी कि इसका आंसर ई होगा। 17 नंबर, फॉरवर्ड ब्लॉक का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो इसका पहला जो सम्मेलन हुआ था वह 1940 ईस्वी में कानपुर में आयोजित हुआ, यानी कि 117 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 118, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने 1887 में भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना की थी? एम जी रानाडे, रघुनाथ राव, नारायण मल्हार जोशी, आर सी दत्ता, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं। 119, 1892 में मद्रास हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मद्रास हिंदू एसोसिएशन की स्थापना 1892 ईस्वी में वीरेसलिंगम पुंटुलु के द्वारा की गई थी, यानी कि 119 का आंसर हो जाएगा आपका बी। निम्नलिखित में से कौन सा नेता भारत धर्म महामंडल 1902 से जुड़े हुए थे, यानी कि भारत धर्म महामंडल जिसका गठन 1902 ईस्वी में किया गया था, निम्नलिखित में से कौन उससे जुड़ा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पंडित मदन मोहन मालवीय। 121, गोवा को अल्बुकर्क ने निम्नलिखित में से किस राज्य के शासक से जीता था? तो इसका आंसर हो गोवा को अल्बुकर्क ने किस गोवा को अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक से छीना था। बीजापुर का शासक उस समय आदिल शाह था। 121 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 122, किस पुर्तगाली वायसराय ने भारत में शांत जल की नीति का पालन किया? शांत जल यानी कि जिसे ब्लू वाटर कहा जाता है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, डियागो लोपेस डी सेकिरा, नीनो डी कुन्हा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो शांत जल की नीति, ब्लू वाटर की पॉलिसी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के द्वारा प्रारंभ किया गया था। 122 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 123, निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली गवर्नर को नेविगेटर उपनाम दिया गया था? प्रिंस विलियम, प्रिंस हेनरी, प्रिम कॉर्लेस, प्रिंस पेट्रो वी, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि प्रिंस हेनरी को। 124 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1924-25 के वाईकॉम सत्याग्रह में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था? वाईकॉम सत्याग्रह में के केलप्पन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 124 का आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता सर चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। 125 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 126 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की? अवनींद्रनाथ, रविंद्रनाथ, सुरेंद्रनाथ, मुकुल डे, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 127, निम्नलिखित में से कौन सी रविंद्रनाथ टैगोर की कृति नहीं है? गार्डनर, गीतांजलि, किंग ऑफ डार्क चैम्बर, वंदे मातरम, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि वंदे मातरम जो रचना है वह रविंद्रनाथ टैगोर की रचना नहीं है। 127 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 128, इंडियन सोशलिस्ट नामक पत्रिका किस संगठन ने प्रकाशित किया था? इंडिया हाउस, गद्दर पार्टी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, वर्लिन समिति, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि इंडिया हाउस, जिसका गठन 1905 ईस्वी में किया गया था, द इंडियन सोशलिस्ट नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। 128 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 129,
6 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा करने वाले पहले समाचार पत्र का क्या नाम था? स्वराज, संजीवनी, कालांतर, आनंद बाजार पत्रिका, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि संजीवनी पत्रिका, जिसका प्रकाशन 1883 ईस्वी में कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा उस समय से किया गया था। इसने बंगाल के विभाजन की सबसे पहले घोषणा की थी। 129 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 130, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ पत्रिका किसका है? न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट का है, आंसर हो जाएगा सी। 131, भारत के साथ व्यापार करने के लिए संयुक्त स्टॉक कंपनी शुरू करने वाले पहले लोग कौन थे? डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डेनिश, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि डच कंपनी। 132, इसे कालानुक्रम में आपको सजाना है। मंगलौर की संधि, मंगलौर की संधि कब हुई थी? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद 1784 ईस्वी में। एक का आंसर हो जाएगा 1784। दूसरा है पेरिस की संधि, पेरिस की संधि जो हुई थी वह 1763 ईस्वी में हुई थी। तीसरा है मद्रास की संधि, वह 1769 में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद हुई थी, 1769। चौथा है पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में। अब इसे अगर आप मैच करें तो सबसे पहले 1761 आएगा, इसके बाद 1763, इसके बाद 69, फिर ये आएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 132 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 133, यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, ठीक है? कौन सही सुमेलित है आपको इसे देखना है। गायकवाड़ नागपुर के थे? नहीं, गायकवाड़ बड़ौदा के थे। भोसले बड़ौदा के? नहीं, भोसले नागपुर के थे। पेशवा ग्वालियर के थे? नहीं, पेशवा जो थे वे पुणे के रहने वाले थे। होलकर इंदौर के? होलकर यह सही है। 123 का आंसर हो जाएगा आपका कौन सही है, यानी कि 133 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 134, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व किसने किया? नाना फडणवीस, रघुनाथ राव, नारायण राव, महादजी सिंधिया, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि महादजी सिंधिया ने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में मराठी सेना का नेतृत्व किया था। 134 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 135, निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और संधि की पहचान करना है। ए, इस पर बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच हस्ताक्षर हुए। बी, बाजीराव ने सूरत शहर को सौंप दिया। सी, निजाम के अधिराज्य पर चौथ के सभी दावे छोड़ दिए गए। इससे संबंधित संधि कौन सी है? पुरंदर की संधि, बेसिन की संधि, सूरत की संधि, सलाबाई की संधि। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1802 में हुए बेसिन की संधि या उपर्युक्त घटना से संबंधित है। 135 का आंसर बी। 136, सिंध ने ब्लैंक्स के गवर्नर रहते हुए सहायक संधि स्वीकार की, यानी कि सिंध ने सहायक संधि कब स्वीकार की? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सिंध ने 1839 में लॉर्ड ऑकलैंड के समय सहायक संधि को स्वीकार किया था। 136 का आंसर हो जाएगा बी। 137, मिसल शब्द का क्या अर्थ है? ए, बराबर या समान, बी, से बेहतर या से बड़ा, सी, से कमतर, डी, राज्य उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मिसल का मतलब होता है बराबर या समान। 138, सुरक्षा वाल्व या सेफ्टी वाल्व थीसिस का मूल धारणा इस पर टिका हुआ है कि ए, जब तक कांग्रेस जैसे संवैधानिक मंच की स्थापना नहीं हुई तब तक एक हिंसक उपनिवेश विरोधी क्रांति होनी ही थी। बी, कांग्रेस उपनिवेश के प्रशासन में अंग्रेजों की सहायता करेंगे। सी, कांग्रेस नेता औपनिवेशिक अभिजात वर्ग का गठन करेंगे। डी, एक पार्टी के रूप में कांग्रेस औपनिवेशिक शासकों को राजनीतिक और सामाजिक सुधार लागू करने में सहायता करेगी। ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सुरक्षा वाल्व या सेफ्टी वाल्व थीसिस का मूल सिद्धांत इस पर आधारित है। 138 का आंसर ए। 139, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? वारन हेस्टिंग्स, घेरे की नीति सही है। लॉर्ड बिलेजली, व्यवगत का सिद्धांत गलत है। लॉर्ड बिलेजली के द्वारा सहायक संधि की नीति शुरू की गई। रॉबर्ट क्लाइव, हस्तक्षेप की नीति। लॉर्ड डलहौजी, सहायक संधि। कौन सा कथन सही है? ये देखिए, केवल इसका आंसर ए होगा, ए सही है, बाकी सब गलत है। लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि नहीं, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा व्यवगत का सिद्धांत शुरू किया गया। लॉर्ड बिलेजली के द्वारा सहायक संधि का स्वीकार किया गया। तो 139 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि केवल ए सही है। 140, व्यवस्थित करना है, कालानुक्रम में सजाना है। मैं ऑप्शन दे दे रहा हूँ कैसे कैसे होगा। यांदबू की संधि 1826 ईस्वी में, ठीक है। लहासा की संधि 1904 ईस्वी में। गंडमा की संधि 1879 ईस्वी में। और ड्यूरंड लाइन 1893 ईस्वी में।
अब इसके अकॉर्डिंग आप मैच कर लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा बी। 141। लॉर्ड ऑकलैंड की अग्रगामी नीति क्या थी? ए पड़ोसी राज्यों का विलय, पड़ोसी राज्यों के साथ संधि, पड़ोसियों के साथ विदेशी संबंध सुधारने की स्वतंत्रता देना, या ब्रिटिश सरकार में बेहतर प्रशासन के लिए थी, इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि ऑकलैंड की जो अग्रगामी नीति थी पड़ोसी राज्यों के विलय और पड़ोसी राज्यों के साथ संधि करने पर संबंधित थी। इसका आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ई। 141 का आंसर ई। 142। किसके गवर्नर जनरल रहते हुए उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत बनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि लॉर्ड कर्जन के दौरान उत्तर पश्चिम सीमांत का गठन किया गया था। 143। व्यापगत के सिद्धांत के तहत किस राज्य का विलय नहीं किया गया? सतारा, उदयपुर, भरतपुर, झांसी, इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि भरतपुर को, यानी कि 143 का आंसर सी। 144। 1857 के विद्रोह के संबंध में मंगल पांडे किस बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित था? मंगल पांडे 34वीं नेटिव से संबंधित रहे हैं, बंगाल की जो रेजिमेंट थी। 144 का आंसर हो जाएगा बी। 145। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन किसी गांव में आयोजित किया जाने वाला पहला अधिवेशन था, कौन सा कथन गलत है, आपको चुनना है। बी एस एन बनर्जी ने 1925 में कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। सी स्वतंत्रता के समय जे बी कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद स्वतंत्रता पूर्व युग में कांग्रेस पार्टी के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति बने, कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि ए सी और डी सही है, यानी कि कौन सा सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 145 का आंसर बी। 146। प्लासी के युद्ध के समय अंग्रेजों को किस क्षेत्र की जमींदारी मिली थी? उड़ीसा, उत्तर बंगाल, 24 परगना, बिहार, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 24 परगना। 147। किस शासक ने अंग्रेजी व्यापारियों की तुलना में भारतीय व्यापारियों को समान अवसर प्रदान करने के लिए शुल्कों को पूरी तरह से समाप्त करने का निर्णय लिया था? मीर जाफर, मीर मदान, मीर कासिम, मीर मरान, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मीर कासिम। 148। इलाहाबाद की संधि के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर आपका स्टेटमेंट दिया गया है, इलाहाबाद की संधि जो कि 1765 ईस्वी में बक्सर के युद्ध के समाप्ति के बाद की गई थी, और इस स्टेटमेंट के अनुसार कौन सा कथन सही सुमेलित है आपको देखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सी नंबर जो स्टेटमेंट है वह पूर्णतः सुमेलित है। 26 लाख रुपये दीवानी अधिकार सौंपने के लिए मुगल बादशाह को पेंशन प्रदान करने के लिए दी गई थी। 149। 1857 के विद्रोह में झांसी में किस अंग्रेज अधिकारी ने झांसी के विद्रोह को दबाया? विलियम टेलर, कैंपवेल, हीरोज, निकोलसन और हडसन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि लॉर्ड हीरोज। और लॉर्ड हीरोज का एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है कि 1857 के विद्रोह में एक महिला ने अकेले मर्द का कार्य किया हुआ थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। 149 का आंसर हो जाएगा सी, वहां पर अंग्रेज अधिकारी था विलियम हीरोज। 150। प्रश्न और आज के टेस्ट सीरीज का अंतिम प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 15 जनवरी 1784 ईस्वी को सर विलियम जोन्स के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 150 का आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स इस प्रकार से आज हमने मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित कुल 150 प्रश्नों का डिस्कशन किया है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए सहूलियत साबित होगी, और बीपीएससी प्रीलिम्स और सीडीपी प्रीलिम्स का एक बहुत बड़ा भाग मॉडर्न हिस्ट्री में प्रश्न पूछे जाते हैं, अतः वहाँ भी यह टेस्ट सीरीज हमारा जो था वह निस्संदेह आपके लिए लाभदायी साबित होगा। थैंक यू सो मच। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।